तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा स्कैन टेक प्लस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमी लूट के बारे में। और आज जो है मैं आपको रमी लूट में जो गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार, आप मेरा अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो कितना है, 200 रुपये है, ठीक है। और हम जो कार रोलेट को प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी मैं लोगो लगाऊंगा ना, तो पहले मैं उस लोगो को लगा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको जो मतलब बताऊंगा, ठीक है, कि मैं इस लोगो को क्यों लगाया। पहले मैं आपको लगाऊंगा, याद रखना कि मैं पहले आपको लोगो लगाने की वजह नहीं बताऊंगा, वजह जो बताऊंगा वो बाद में ही बताऊंगा, ठीक है, कि मैंने क्या लगाया था और क्यों लगाया था बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा अमाउंट तो मैंने बताया लास्ट टाइम आई है फरारी, ठीक है। तो अब मैं अपने लोगो लगा के चलता हूँ, ठीक है। और मैंने अपना अमाउंट जो है लगा दिया है, तो देखते हैं कि क्या आता है। हमने अपना हाई अमाउंट लगा दिया, 200 रुपये लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो X20 की गाड़ी अगर आ जाती है तो हम लॉस जाएंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे रेंज रोवर आ चुका है। रेंज रोवर मैंने गाड़ी इसलिए लगाया था कि आप देख सकते हैं पूरे रिकॉर्ड में नहीं था, और मर्सिडीज़ और जैगवार वाला कॉम्बो चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया। तो 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, देखिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लोगो लगा बता के ही चलता हूँ आपको, मैं किस तरीके से कौन सा क्यों लोगो लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने गेम को दो कॉम्बो में बांटा है, मर्सिडीज़ एंड जैगुआर, बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर, ठीक है। तो अभी जो आया बीएमडब्ल्यू का कॉम्बो आया, तो हम जो इस कॉम्बो को छोड़ के दूसरे कॉम्बो की साइड चले जाएंगे, ठीक है। रेंज रोवर को हमने छोड़ दिया, 20-20 रुपये हमने मर्सिडीज़ और जैगुआर पर लगाए, और 10 रुपीज़ जो है बीएमडब्ल्यू पर लगाए, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे जो लगता है कि बीएमडब्ल्यू आ चुका है, शायद मुझे जो 2 रुपये इसका लॉस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कॉम्बो 2 टाइम आ चुका है। अभी भी जो मैं जो जाने वाला हूँ वो गेम प्ले करूँगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे जो गेम प्ले करने वाला हूँ वो मर्सिडीज़ और जैगुआर की साइड ही जाऊँगा, मर्सिडीज़ एंड जैगुआर की साइड ही मैं जाऊँगा। 20-20 रुपये मैंने लगा दिए हैं, और इस बार जो मुझे लगता है कि शायद रेंज ओवर के चांस है, तो रेंज ओवर पर मैंने लगा दिए हैं 10 रुपीज़। तो देखते हैं क्या आता है। और ज़्यादातर जो चांस मुझे लग रहे हैं वो मर्सिडीज़ और जैगुआर के लग रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। जो भी आएगा आप लोगों के सामने रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि शायद जैगुआर का जो लोगो है वो आ चुका है, ठीक है। जैगुआर के लोगों पे हमने लगाए थे 30 रुपीज़। तो अभी जो जैगुआर आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ वो भी देख लेते हैं। 74 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलाएगा इस, ठीक है। अभी फिर से जो है हम अपना अमाउंट लगाएंगे और यहाँ पर जो गेम प्ले करेंगे वो करने वाले हैं, देखिए, मतलब कि मर्सिडीज़ और जैगुआर की साइड ही जाएंगे, और जो बीएमडब्ल्यू है उस पर थोड़ा सा अमाउंट लगा देते, लेकिन मैंने इस बार रेंज रोवर पे लगा दिए 10 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कि आता क्या है। और मुझे लगता है कि इस बार भी शायद जो हमने लगाया वही आया है। तो सेम गाइज अब वैसे ही हुआ, यहाँ पर मर्सिडीज़ का लोगो आ चुका है, ठीक है। तो मर्सिडीज़ के लोगों पर हमने 20 रुपीज़ लगा दिए थे, तो हमें प्रॉफिट जो हुआ 46 का यहाँ पर देखने को मिल गया है। अभी आप देख सकते हैं कि X20 गाड़ी आने के कोई भी चांस नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे लोगों अलग अलग आए हैं। देखिए, पहले रेंज ओवर आया, फिर बीएमडब्ल्यू आया, फिर जैगुआर, मर्सिडीज़। तो अभी जो हम जो छोड़ने वाले हैं वो छोड़ने वाले हैं मतलब बीएमडब्ल्यू को, ठीक है। तो सॉरी यार, बीएमडब्ल्यू पे मुझे छोड़ना था, बीएमडब्ल्यू पे मुझसे गलती से लग गया। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी गलती भी काम आ जाती है। तो देखते हैं कि आता क्या है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो शायद जैगुआर या फिर मर्सिडीज़ आया, मर्सिडीज़ हमारा आ चुका है। तो वो मर्सिडीज़ पे हमने 20 रुपीज़ लगाए थे। कोई भी लोगो अगर मैं लगा रहा हूँ तो वो उसका रीजन बता रहा हूँ। हमारा गेम जो है दो कॉम्बो में चलता है, जैगुआर और मर्सिडीज़ एंड बीएमडब्ल्यू और रेंज रोवर। तो अभी रेंज रोवर जो है काफ़ी, मतलब कि 4th नंबर पर आ रहा है, और काफ़ी टाइम से आया भी नहीं है। फरारी जो है वो जो सॉरी अभी जो X20 के चांस हो चुके हैं। क्यों? कोई भी गाड़ी X20 की गाड़ी के बाद अगर कोई लोगो 2 टाइम आ जाता है ना, तो X20 की गाड़ी के चांस बढ़ जाते हैं। इस बार हमने थोड़ा सा हाई अमाउंट लगाया और मर्सिडीज़ को छोड़ दिया है, बाकी X20 की गाड़ी पे भी हमने अमाउंट लगा दिया। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो जो भी आपके सामने है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शायद रेंज रोवर आ चुका है, ठीक है। रेंज रोवर पर हमने 40 रुपीज़ लगाए थे, प्रॉफिट कितना हुआ देख लेते हैं। तो इस बार जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो शायद 82 रुपये का हुआ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फिर से जो अमाउंट लगा के चलेंगे। गेम प्ले में क्यों कर रहा हूँ, किस लिए, वो सारा कुछ मैं बताऊँ, ठीक है। आप देख सकते हैं X20 की गाड़ी के बाद एक बार एक लोगो 2 बार हो चुका है, तो X20 की गाड़ी के आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं इस बार फिर से जो है
जगुआर और मर्सिडीज़ पे ही अमाउंट लगाऊंगा, बाकी किसी पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, रेंज रोवर को ये लोग डबल नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि रिकॉर्ड में जो डबल कर चुके हैं तो यहाँ पे वैसे ही इन्होंने किया कि रेंज रोवर को इन लोगों ने डबल कर दिया। मुझे लगा नहीं था कि ये लोग जो डबल करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर से जो हम जो अपना अमाउंट रिकवर करेंगे वो इन्हीं दो लोगों से रिकवर करेंगे, यानी कि मर्सिडीज़ और जगुआर से। ठीक है, तो इस पर हम फिर से अपना अमाउंट लगा देंगे। इस बार हम 30 रुपये लगाएंगे और दो गाड़ी हम X20 की लगा के चलेंगे, और इस बार हम 10 रुपये हमने उस पर लगा दिए हैं BMW पे। और रेंज रोवर को फिर से हमने छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि X20 की गाड़ी के आने के पूरे पूरे चांस हो रहे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। जो भी आएगा आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जगुआर हमारा आ चुका है, जिसपे हमने जो है 50 रुपये लगाए थे। तो यहाँ पे जो जगुआर तो नहीं, मर्सिडीज़ आया, तो मर्सिडीज़ पे हमने जो 50 रुपये लगा दिए थे। तो देख, मैंने कहा था ना कि मैं जो रिकवर करूँगा इन दोनों लोगों से ही रिकवर करूँगा। 60 रुपये हमारे गए थे, 90 रुपये हमें मिल गए, 30 रुपये हमें प्रॉफिट का मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम फिर से जो अपना अमाउंट लगाएंगे, और यहाँ पर हम जो जाएंगे वो जाएंगे, देखिए मर्सिडीज़ को हम छोड़ देंगे इस बार, और BMW और रेंज रोवर की तरफ जाएंगे। जगुआर को भी हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। हमने BMW और जगुआर रेंज रोवर को लगाया, बाकी मर्सिडीज और उसे छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज रोवर आ चुका है। रेंज रोवर मैंने क्यों लगाया गाइस, देखिए, क्योंकि ये मर्सिडीज़ को ये डबल दे नहीं सकते थे, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में जो मर्सिडीज़ को इन्होंने डबल कर दिया था, एक ही चीज़ को बार 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 डबल थोड़ी, तो वो रीज़न था हमारा। ठीक है, उसे लगाने 80 रुपये। ठीक है, फिर से जो है हम अपना अमाउंट लगाएंगे, और फिर से हम अमाउंट लगा के चलेंगे। और इस बार जो हम अमाउंट लगाएंगे वो BMW और रेंज रोवर की साइड ही जाएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक टाइम जो यहाँ पे जगुआर आने के चांस हैं, तो हमने लगा दिया। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आता है। और दो गाड़ी हमने X20 की भी पकड़ के चले हैं, तो हो सकता है कि वो गाड़ी आ जाए, क्योंकि X20 के जो चांस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या आता है। शायद यहाँ पर जो है जो लोगों हमने छोड़ा था वही लोगों आ चुका है मर्सिडीज़ का। ठीक है, मर्सिडीज़ की मुझे लगता है कि आएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, क्योंकि इस लाइन में यार लॉस और रिकवर चलता ही रहता है। अब हम जो इस लोगों पे अगर हम लॉस खाए हैं ना, तो इसी लोगों से हम जो इसको अमाउंट को रिकवर करेंगे। ठीक है, हमने अपना अमाउंट लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और इस बार जो हम रेंज रोवर को छोड़ देंगे। ठीक है, और X20 की गाड़ी को हमने 20-20 रुपये लगा दिए, और 110-110 रुपये हमने जो है मतलब कि उन पर लगा दिए हैं, मतलब कि जगुआर और मर्सिडीज़ पे, क्योंकि यही लोगों आने के चांस बहुत बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो X20 की गाड़ी आई है, जिस पर हमने 20 रुपये लगाए थे। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लॉस में नहीं हैं, तो प्रॉफिट में ही। तो कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है देख लेते हैं। तो 21 रुपये का हमें प्रॉफिट ही देखने को मिला है, लॉस नहीं है गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो फिर से हम अपना अमाउंट लगाएंगे। मैंने कहा था ना कि यहाँ यहीं से हम लोग जो अपना अमाउंट रिकवर करेंगे। फिर से हमने जो अपना हाई अमाउंट लगा दिया है, और आप लोग देख लेना कि इनमें से ही आएगा कुछ ना कुछ, सारा का सारा अमाउंट मैंने लगा दिया। ठीक है, रेंज रोवर को हमने छोड़ दिया, अगर रेंज रोवर आ जाता है तो सारा अमाउंट हमारा जीरो हो जाएगा गाइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो रेंज रोवर आएगा, आप देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा जगुआर आ चुका है, जिस पर हमने 180 रुपये समथिंग लगाए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि जिस कॉम्बो से मैं लॉस किया हूँ उसी कॉम्बो से मैं अपना जो रिकवर करूँगा। तो एक राउंड में हमने 394 रुपये जो है विन किए। हमारे अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो कितना हाई हो चुका है, 200 रुपीज़ हम लेके आए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो हो चुका है समथिंग 900 रुपये। तो हमने सारा जो मतलब कि काफ़ी सारा अमाउंट जो यहाँ से रिकवर कर लिया है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर डी एंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी वीडियो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।